नमस्कार दोस्तों, ये साल का आखिरी दिन है, 2020 ख़त्म होने वाला है और बड़ा अजीब सा साल रहा ये मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे रहा ही। कोरोना तो था ही था और भी कई सारी दिक्कतें, और पूरे विश्व के लिए बड़ा ही अजीब सा साल था ये। बहुत सारी चीज़ें हुई, एक तरीके से देखा जाए तो इस तरह का साल पता नहीं कितने समय में लोगों ने नहीं देखा। अजीब अजीब घटनाएं हुई, एक अजीब सा कोरोना तो हुआ ही, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे का चाइना से निकलना, फिर वहाँ पे लॉकडाउन होना, और फिर ये लॉकडाउन जो है पता नहीं कैसे वहाँ से पूरे विश्व में फैलना, और फिर जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, हमारे देश में जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, तमाम तरह की चीज़ें लॉकडाउन से लेके और 21 दिन में कोरोना के ऊपर जीत हासिल करना, और फिर लॉकडाउन बढ़ते जाना, और कितने सारे मजदूरों की जान गई बिना किसी प्लानिंग के, लॉकडाउन लगाया गया और वो अपने गांव की तरह चल पड़े। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, जिसको कहा गया कोविड का की वजह से हुआ। बहुत सारे लोग ने फिर इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि लोग हॉस्पिटल से ही डरने लगे, घर पे इलाज करने लगे, एक अजीब सा। और बहुत सारे लोगों का की जान इसलिए भी गई क्योंकि उनको कई सारी बीमारियां थी, गंभीर बीमारियां थी, और इस कोविड के मारे जो अरफा तरफी हुई, जो हॉस्पिटलों का हाल हुआ, उसमें उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया और उनकी जान गई। अब 2021 में आने वाले हैं, पता नहीं कैसे होगा। अभी जैसे कि और कई सारे जो है, जैसे लास्ट में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले एक महीने से, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, क्योंकि इस तरह के जो आंदोलन आए दिन नहीं हुआ करते। इनफैक्ट हो सकता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का सबसे बड़ा आंदोलन हो। उसमें भी आप देखिए कि 40 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है। तो पता नहीं ये चीज़ें 2021 में बेहतरी की तरफ जाएंगी या क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा केओस मचा हुआ है, पूरा एक तरह से तंत्र जो है कुछ हो नहीं रहा है, लोग असंतुष्ट हैं। पता नहीं किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल होंगी, क्योंकि जो एक तरीके से देखा जाए जो संवाद की बात होती है, जो गवर्नमेंट और पब्लिक और ये सब जो चीज़ें होती हैं, वो एक तरह से टूट गया है। बहुत अच्छा तो भारत में कभी भी नहीं था, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि जो समय है जिसमें मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल, जो कहीं ना कहीं आप आज से 10-15 साल पहले देखेंगे तो इतना न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे, और इतना उनमें जो है इस तरह से इतने इनका उनका पेनिट्रेशन नहीं था, इतने लोगों के तक उनकी रीच नहीं थी। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी प्रोटेस्ट हुआ, इतने लोग हैं वहाँ पे, लाखों लोग हैं, कहीं कोने में किसी ने खालिस्तान जिंदाबाद कह दिया, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कहा या नहीं कहा वो भी एक बात है, मान लीजिए कह दिया या कहलवाया भी जा सकता है। आपको जो है कुछ करना है तो एक आदमी को प्लांट कर दीजिए, अपने आदमी को, कुछ नारे लगा देगा। अब क्या करिए कि उसको चलाना शुरू करिए टेलीविज़न पे, वहाँ और बहुत बातें हो रही थी, उसको छोड़ दीजिए, उसको कर दीजिए कि ये खालिस्तानी आंदोलन है, और इतनी बार बार चलाइए कि बहुत सारे लोग जो उनको बार बार देखते हैं, जिनको ना वहाँ जाना है ना इतनी वो चहमत है कि वो सच्चाई पता करें या और बियॉन्ड सोचे, वो मान लेते कि हाँ यही है। या फिर मान लीजिए जैसे कि मजदूरों का जो हो रहा था, इतने सारे मजदूर सड़कों पे थे, बहुतों की मौत हुई, और ऐसे समय में क्या हुआ कि मीडिया ने एक सुशांत सिंह राजपूत का केस पकड़ लिया, 3 महीने तक उसको चलाते रहे। तो एक ये भी हो जाता है कि
आजकल के टाइम में जहाँ पे कुछ कॉरपोरेट हाउसेज पूरे मीडिया को कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट हाउसेज मिलके, तो वो ये भी कर सकते हैं कि रिलेवेंट कुछ हैं मुद्दे, उनको सप्रेस करने के लिए वो कुछ नॉन इशूज़ को उठा देंगे, उसको बार बार चलाएंगे, उसको इस तरीके से कि वो जनता के बीच में वो मुद्दा बन जाए जो कि एक्चुअली मुद्दा था ही नहीं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कमी होने वाली नहीं है। आपके पास मान लीजिए 1,000, 2,000, 3,000 लोग हैं, 10,000 आपने इम्प्लॉय कर लिए हैं आपके आईटी सेल में, उनको लगा दीजिए, वो ट्विटर पे जो चाहें वो ट्रेंड कराएंगे, जिसको चाहेंगे उसको ट्रोल करेंगे। तो ये सब जो है, जो फिनोमेना हुआ है जिस तरीके से, एक तरीके से अभी तो ऐसा हो गया है कि जो जितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला पाएगा उसी की जीत होगी, कुछ इस तरीके का माहौल है। और मिस इन्फॉर्मेशन कौन ज़्यादा फैला पाएगा? वो फैला पाएगा जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, जिसके पास अथॉरिटी और पावर ज़्यादा होगा। तो हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं। कुछ सेंस में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे तो खैर पहले पता नहीं था, जब मैंने ये सब देखना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, ये यूँ कहीं करना पड़ा मुझे, तो ये समझ में आया कि तंत्र पूरा चौपट है। यहाँ वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, जिसको जो समझ में आता कहता है और आके, लेकिन वो बात है कि जब वो भाषण देगा, कुछ बोलेगा, तो वहाँ ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे कि स्वर्ग हो गया, और धरती पे स्वर्ग उतर गया। भारत इस समय जो इतना विकास कर गया है, इतनी अच्छी हो रही है, या फॉर एग्जांपल जैसे 2000 का किस्सा देखिए, या जो 4 महीने में एक किसान परिवार को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, या फिर साल भर में 6000, मान लीजिए औसतन 5 सदस्य हों, तो 1 आदमी को, घर के सदस्य को, महीने भर में 100 रुपये सरकार की तरफ से सहयोग मिला। अगर एक दिन में हम देखेंगे तो 3 रुपये 33 पैसे के आसपास एक किसान की फैमिली में एक आदमी को प्रतिदिन 3 रुपये 33 पैसे का सहयोग मिला। इसके ऊपर भी आप बुला लिए 2-3 को, कहेंगे कितना फायदा हुआ। एक बड़ा कोई था, कोई किसान, वो व्यंग कर रहा था, उसने कहा कि 2,000 रुपये मिल गए, मजा आ गया, मैंने 10 एकड़ जमीन खरीद ली, उसमें एक घर बनवा लिया, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे मैंने इंश्योरेंस वगैरह ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो अभी ये भी है कि कहीं ना कहीं आप क्या करिए, कुछ भी करिए, उसका कौन देखने वाला है। आप ऐसा है कि उसको ऐसे डिवाइड करके मत बताइए जिसमें एक्चुअल समझ में, आप 6,000 कहिए, उसमें भी मतलब कुछ बुला के कहें कि मेरा तो बड़ा फायदा हुआ, बड़ी मदद हो गई, ठीक है। और ये सब बताते समय ये बिल्कुल ना बताइए कि डीजल का जो जो भाव बढ़ा है उससे उनके लाइफ में क्या फर्क पड़ा, उनको उनका खर्चा कितना बढ़ गया है। उनको ये सभी कभी मत बताइए कि जो खाद के भाव बढ़े हैं इससे उनका कितना खर्चा बढ़ा। ये सब कभी चर्चा मत करिए कि जो गैस सिलेंडर के भाव बढ़े हैं इससे उनकी आमदनी पे क्या फर्क पड़ा। आप एक नैरेटिव सेट करिए, और कई लोग हैं जो उस नैरेटिव में बह जाएंगे। तो ये भी एक 2020 में काफ़ी कुछ देखने को मिला, ये जो नैरेटिव सेट करना। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कोई पता नहीं कौन सी योजना है, किसी महिला का एक ऐड आया कि मोदी जी ने बहुत ख्याल रखा है इस पूरे समय में, महामारी के समय में, बताया कि कल ही अकाउंट में 500 रुपये आ गए हैं, बड़ी मदद हुई। पता नहीं 500 रुपये से कितनी किसकी क्या मदद हो जाती है, आपको भी महंगाई का हाल पता है। लेकिन आप एक आ रहा है जो कैसे बोल रहा है कि बड़ा ये हुआ वो हुआ, रियलिटी फिर चाहे जो भी हो। तो जैसे मैंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन जो जितना फैला रहा है, कहीं ना कहीं जीत उसी के हो रही है। सही बात, अच्छी बात, सत्य गलत, ये सब तो अपनी जगह रहा। तो ये एक बात थी। और एक और भी बात जो हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं मोर और लेस भारत में,
एकाध जगह छोड़ दिया जाए तो ऐसा जैसे कि वो इलेक्शन हारने के लिए लड़ रही हैं, ये भी एक नहीं समझ में आ रहा। मतलब कि जैसे कि आप सोचिए कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी है, बाकी तो जितनी पार्टियां हैं वो अपोजिशन पार्टियां हैं, मेनली वो स्टेट लेवल पे काम कर रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी हैं, तो जो नेशनल इश्यूज हैं वो कौन उठाएगा? कांग्रेस इज द नेचुरल कैंडिडेट की इन सब बातों को उठाए। उसका वीकेंड होना, उसका नेशनल जो मुद्दों को सही से जोर शोर से टेकअप ना करना, ये जनता को बहुत ही क्षति पहुंचा रहा है। और अगेन नैरेटिव भी ऐसे सेट होते हैं, राहुल गांधी छुट्टी पे चले गए, गए नहीं गए किसको क्या फर्क पड़ता है? अभी मान लीजिए किसानों का आंदोलन हो रहा है, अगर वहां जाके बैठे तो भी आप नहीं बैठने देंगे, कहेंगे राजनीति कर रहा है वो, और वो बाहर चला जाए तो भी आपको दिक्कत है। सारे मीडिया, एक मैं भी कल या परसों की बात है, कई सारा कि जो है राहुल गांधी छुट्टी पे गए, अब गए तो गए तुम्हारा क्या जाता है? बात है कि सरकार यहाँ पे जो बात हो रही है, तो देखिए सारा वो सारा मीडिया जो है उसको कोई काम नहीं हो, इरेलीवेंट इशू है। ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, वो कहीं जाए नहीं जाए, वो कहाँ जाता है, कब क्या करता है, एंड द पार्टी इज नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन। वो जाए तब भी कांग्रेस की इतने सारा जो पूरा जो देश में फैली हुई पार्टी है, ठीक है, बहुत सारा कुछ करना चाहिए। और कई तरह की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अपोजिशन लीडर ना जाए तो दिक्कत, तब आप कहेंगे देखिए इनको कुछ किसानों की पड़ी नहीं है, जाए तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उसकी बात ही नहीं हो पाती, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरा एक तंत्र काम कर रहा है। तो आने वाले सालों में कैसे होगा, अगले साल में कैसे होगा, क्या इसी तरीके से होगा, क्या अपोजिशन पार्टी से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटजी बना के काम करेगी या नहीं करेगी, ये सब देखने की बातें होंगी। बट ऐसा नहीं है कि ये जो 2020 खत्म हो रहा है और जो 2021 शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत ही बुरा साल था वो खत्म हो गया अब अच्छा ही आ जाएगा। ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस कंटिन्यू करेंगे। अभी तो वैक्सीन के ऊपर जो है बातें शुरू हो गई हैं, किस तरीके से कितना समय में वो बनना चाहिए ये, और कितने समय में बन रहा है, फायदा करेगा नहीं करेगा, जो साइड इफेक्ट की बातें आ रही हैं। इनफैक्ट एक जन ने कहा कि जो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे कि उनको जो है जो साइड इफेक्ट या उनके जो सीवियर अगर कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसके लिए उनको सू न किया जा सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो और डराने वाली हैं, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं तो खैर यकीन करता नहीं इन सब चीज़ों के, जो जिस तरीके से ये जो मैंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन जब भी दी जाती है कुछ, तो यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इतना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इतना कुछ झूठ बोला गया है, बात बात पे झूठ बोल देना, लगातार झूठ बोलते रहना, और धर्म का सहारा लेना, एक और जो बोलना है बोलिए गंगा माँ की तरह और ये उसकी तरह, ये कोई बात नहीं होती। आप अपना वो करिए, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को यूज करके अपनी बात को साबित करना, सही ठहराना, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। रिलीजन और ये रिलीजियस फेथ जो है ये बड़ा पर्सनल होना चाहिए, और राजनीति में तो बिल्कुल भी, जिसको पूजा करनी है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, वो जाए, ये उसका पर्सनल मामला हुआ, राजनीति का इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो पता नहीं कैसा होगा अगला साल, देखिए कई तरह की चीज़ें जो है करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे भी कई तरह के प्रयास करने हैं और भी, क्योंकि जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो तंत्र है, जिस तरीके से
कंप्रोमाइज्ड हो चुका है, ऐसे तंत्र में कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल है। अंत में जाते जाते एक और बहुत चीज़ है इस पर ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो किसानों का आंदोलन है, इतने लोग हैं इसीलिए उनसे वार्ता भी हो रही है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। तो बात ये कि लोकतंत्र, ये देश इतना बड़ा है, इसमें अगर लोग साथ नहीं आएंगे गलत चीज़ का विरोध करने के लिए तो कुछ नहीं होगा, मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे परिवर्तन, क्योंकि लोकतंत्र लोगों से बनता है, लोग जो चाहते हैं वही होता है। तो जब भी कोई सही बात दिखाई दे, बहुत सारे लोगों को उसका साथ देना चाहिए। जैसे किसानों का देखिए, कुछ मांगे मान ली गई हैं, हालांकि मेन मांगे अभी नहीं मानी गई हैं, पता नहीं क्या होगा 2021 बताए गई है, लेकिन फिर भी इतने लोग हैं और काफ़ी उम्मीद है कि उनको माना जाएगा, उनके डिमांड्स मानी जाएंगे। लेकिन ये इसीलिए कुछ संभावना है क्योंकि इतने लोग हैं, तो जो भी सही चीज़ है उसके लिए बहुत सारे लोगों को भारी नंबर में आना चाहिए। नहीं फिजिकली जा सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो आप जो है फिर भी अपनी वॉइस रखिए, अपना मत रखिए, अपना ओपिनियन पब्लिक रखिए कि आप ऐसा सोचते हैं। इन सब चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फाइनली जो भी पार्टी है, जो भी करना हो, वो कॉरपोरेट हाउसेस के लिए करें या जो भी उनका रहे, लेकिन सत्ता में तो आना उनका सबसे पहला एम है, क्योंकि अगर सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सत्ता में तो लोग ही लाएंगे, तो ये भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि लोग अगर अपना परसेप्शन, अपना ओपिनियन रखते हैं तो लोग पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ज़रूर कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर लोग भड़क जाएंगे और वो वोट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकिंग में ये कंसीडरेशन होता ही है। और एक और जो बात है मेरे ख्याल से, वो बहुत ही ज़ोर शोर से होना चाहिए, EVM के ऊपर सवाल कई साल से उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है वो एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में अगर एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हों और उसका विकल्प मौजूद है तो उसको अपना लेना चाहिए। ज़्यादा क्या होगा कि भाई अगले दिन या जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन शाम तक रिजल्ट नहीं आएंगे, 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे तो लग जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जो है हमें उसी दिन रिजल्ट लाना है, सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस है और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ इस तरह के सवाल उठ रहे हों कि EVM जो है मैं कंप्रोमाइज हो जा रही है मशीनें और इस तरह की बात है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ही ज़ोर शोर से इसको वैलिड पेपर वोटिंग उसके माध्यम से हो, इसके लिए करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं यहाँ रुकूंगा। आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी इच्छा है कि सबका नया साल बहुत बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा गुजरे और ये सारी बहुत सारी जो समस्याएं 2020 की थी वो 2021 शुरू होते ही उसका समाधान निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ रुकूंगा। हैप्पी न्यू